क्या आपको नहीं लगता कि हमारे माइनक्राफ्ट के मॉब्स कुछ ज्यादा ही बोरिंग है? तो चलो आज इन सारे मॉब्स को अपग्रेड करा जाए और शुरुआत करने वाले हैं ज़ॉम्बी से। वेल, रियल लाइफ में भाई ज़ॉम्बी जितने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर वो सामने आ जाए तो पेंट में सुसू निकल जाए, लेकिन वहीं पर माइनक्राफ्ट के ज़ॉम्बीज आए हाय मूड ही खराब हो गया। तो चलो इनको थोड़ा डरावना बनाते हैं। रियल लाइफ के ज़ॉम्बीज की स्किन यहाँ पर गली हुई या तो कटी हुई रहती है, तो मैं यहाँ पर इस ज़ॉम्बी के पेट में एक बड़ा सा जख्म बनाने वाला हूँ, जैसे कि इसका पेट अंदर से कटा हुआ हो। ब्रो क्या लग रहा है, और इतना ही नहीं इसके पेट के अंदर से हड्डियां भी तो दिखेगी, तो मैं यहाँ पर अभी हड्डियां बनाने वाला हूँ इसके पेट के अंदर। भाई क्या ही रापचिक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसके पेट के अंदर का सब कुछ मतलब हड्डियां दिख रही है। और देखो भाई ज़ॉम्बीज के ना हाथ वगैरह भी टूटे रहते हैं, तो अब मैं इसके हाथ को कुछ ऐसा डिजाइन करूंगा जिससे लगे कि भाई इसका हाथ भी टूटा हुआ पड़ा है। बस मेरे को इसके हाथ के बीच में ना एक हड्डी दिखानी है, और देखो भाई ये कितना क्रीपी लग रहा है। और जो इसका दूसरा हाथ है ना, मैं ऐसा डिजाइन करूंगा ताकि लगे कि ज़ॉम्बी के हाथ में इन्फेक्शन हो रखा है। क्या बात है भाई, इसका हाथ तो सच में ऐसा लग रहा है कि इसको कोई अजीब सी बीमारी हो रखी है। और आखिरी पर इसकी बॉडी पर जहां जहां चोट लगी है वहां पर मैं एसिड जैसा कलर दिखा दूंगा, जैसे भाई ज़ॉम्बीज के ऊपर होता है रियल लाइफ में। एंड नाउ लुक एट दिस, भाई ये ज़ॉम्बी ऐसे से कुछ ऐसा बन चुका है। और रात के टाइम जब ये ज़ॉम्बीज झुंड में आते हैं ना भाई, सच बता रहा हूँ, सिट्टी पिट्टी गुल सी हो जाती है। ये कितने डरावने हैं। पावर इन लोगों की उतनी है, लेकिन ये देखने में इतने क्रीपी है कि भाई मैं नहीं लड़ रहा इनसे, बचाओ मम्मी। मैं बता रहा हूँ भाई, इन विलेजर्स की अब बैंड बजने वाली है। एंड विलेजर से याद आया, क्यों ना हम विलेजर्स को भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर दें, और स्टार्ट करेंगे हम बेबी विलेजर से। तो सबसे पहले हम इन बोरिंग से कपड़ों का कलर चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर कपड़ों का कलर चेंज होने के बाद मैं इस बेबी विलेजर को एक टाई पहनाने वाला हूँ, और अब इस बेबी विलेजर को मैं पहनाने वाला हूँ बेल्ट। यार मतलब देखो, बेल्ट होना बहुत जरूरी है, कभी पैंट सरक गई तो। और ये होने के बाद अब हम इस बेबी विलेजर को प्यारे प्यारे से जूते पहना देते हैं। और आई गेस आप लोगों को पता लग चुका होगा, मैं इस बेबी विलेजर को एक स्कूल वाला बच्चा बनाने वाला हूँ। और एक तो यार ये जो विलेजर्स है ना, एकदम टकलू होते हैं, मतलब पता नहीं यार कौन काटता है इनके बाल। तो मेरे को यहाँ पर इस बेबी विलेजर के यहाँ पर बाल भी बनाने होंगे, ताकि यार इसको स्कूल में कोई चिढ़ाए ना। देखो लग रहा है ना एकदम जेंटलमैन, भाई बाल होने चाहिए विलेजर्स के। और हाँ एक सेकंड, इतनी देर से भाई इसका सिर्फ एक ही हाथ था, तो यहाँ पर इसका दूसरा हाथ भी लगा देते हैं। एंड वैसे ये लग तो रहा है भाई कोई स्टूडेंट है, लेकिन एक चीज की अभी भी कमी है भाई, स्कूल जाता है तो एक स्कूल बैग भी तो होना चाहिए। तो इस बच्चे के पीछे मैं यहाँ पर एक स्कूल बैग बना देता हूँ, जिससे कि और लगे कि भाई ये कोई स्कूल का स्टूडेंट है। वाह भाई ये सच में बहुत प्यारा लग रहा है। चलो अब इसको गेम के अंदर ट्राई करते हैं। और जरा इन छोटे से बच्चों को देखो, अले ले कितने क्यूट लग रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हों। लेकिन एक सेकंड, तुमको स्कूल नहीं जाना है, भागो यहाँ से। आनी तो बात कर रहे हो खड़े होके, भाई हर जगह बच्चे ही बच्चे घूम रहे हैं। और एक सेकंड भाई, इतना बड़ा स्कूल का बच्चा, हेलो ये देखो जरा इसको। अबे तू तो अंकल लग रहा है, पक्का तू भाई फेल हुआ है ना क्लास में, भग जा यहाँ से। खैर इसको छोड़ो गाइस, आपको ये वाले बच्चे कैसे लगे मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो देखो दोस्तों, हमने ज़ॉम्बीज को खतरनाक बना दिया था, अब एक काम करते हैं, हम विलेजर्स को भी थोड़ा सा शक्तिशाली बना देते हैं। तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि अपने विलेजर को थोड़ा सा हट्टा कट्टा बना दूं, और वो बनाने के लिए मेरे को इसकी बैक को थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा। और एक तो जो ये इसके हाथ है ना भाई, इसको भी मैं यहाँ पर हटाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसके बनाने वाला हूँ एकदम नए हाथ। और जो इसके नए हाथ है ना, वो एकदम ताकतवर और शक्तिशाली होने वाले हैं। जरा ये देखो, इसका हाथ तो एकदम शक्तिशाली बन चुका है, लेकिन सर में एक प्रोटेक्शन देने के लिए मैं इसको एक अलग सा हेलमेट पहनाने वाला हूँ। और कैसा होगा कि उस हेलमेट के अंदर से दो खतरनाक से सींग भी निकल रहे हो भाई। जरा देखो, अभी से हमारा विलेजर काफी शक्तिशाली लग रहा है, लेकिन अभी भी काफी काम बचा है इसमें। जरा ये देखो, अब मैं इसके हाथ में पकड़ाने वाला हूँ एक खतरनाक सा डंडा, और ये नॉर्मल डंडा नहीं होने वाला है, इस डंडे के आगे खतरनाक से कांटे या नाइफ लगे होंगे। बेसिकली आप कह सकते हो कि मैंने इसको एक बड़ी सी कुल्हाड़ी पकड़ा दी है। भाई कितनी खतरनाक लग रही है। और अभी काम पूरा नहीं हुआ है, मैं इस विलेजर को बढ़िया से कपड़े या आप कह सकते हो कि एक आर्मर पहनाने वाला हूँ। और तो और साथ के साथ जो हमने कुल्हाड़ी बनाई थी, उसको भी थोड़ा और खतरनाक और प्यारा सा बना देते हैं। जरा देखो, लग रहा है ना एकदम रापचिक मॉडल। और गेम के अंदर ये भाई साहब कुछ ऐसे लगते हैं, भाई सच में ऐसा लग रहा है कि कोई गार्ड आ चुका है, और ये सच में बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। वेल ये इतने बड़े हो चुके हैं कि अपने घर के गेट से भी ज्यादा बड़े हैं, लेकिन फिर भी ये घर के अंदर आ जा सकते हैं।
और मेरे को देखना है कि ये बेड पर सोते हुए कैसे लगेंगे। एक बारी मैं रात कर देता हूँ और देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन सा विलेजर अपने घर पर जाकर सोएगा। एंड जरा ये देखो भाई, सोते वक्त इसने अपने आर्मर्स ही उतार दिए। मेरे को लगा आर्मर्स पहनकर सोएगा। और एक काम करते हैं, यहाँ पर अपने ज़ॉम्बीज़ को स्पॉन करते हैं, देखते हैं क्या ये विलेजर्स उनसे लड़ाई करेंगे। अबे भैंस की आंख, ये तो अभी भी भाग रहे डर कर। भाई मैंने इनको इतना तगड़ा हथियार दे रखा है, फिर भी नहीं लड़ रहे हैं। इनकी प्रोटेक्शन सिर्फ गोलम ही कर सकता है। तो चलो फिर अब एक काम करते हैं ना, यहाँ पर गोलम को अपग्रेड कर देते हैं। और इसको अपग्रेड करने के लिए मैं इस गोलम के दोनों हाथों को हटाने वाला हूँ। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। एडिटर भाई इसको थोड़ा सा कट मार दियो। मैंने इसके हाथ इसलिए हटाए हैं क्योंकि मैं इसकी बैक को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाने वाला हूँ। और जो इसके हाथ है ना, उनको देने वाला हूँ एकदम ऐसी शेप जैसे इस भाई गोलम के डोले छोले हो। देखो भाई लग रहा है ना एकदम मस्कुलर हाथ, ये गोलम ऐसा लग रहा है जैसे जिम जाता हो। एंड जरा देखो, इन ज़ॉम्बीज की तो यहाँ पर शामत आ चुकी है। और कुछ भी बोलो भाई, ये सच में गोलम कुछ ज्यादा ही तगड़ा बना दिया मैंने। आपको कैसे लगा मेरे को नीचे कमेंट्स में बताना। और एक सेकंड दोस्तों, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को तो भूल ही गया, अरे मैं अपने वुल्फ की बात कर रहा हूँ। जरा देखो इसको, ये वुल्फ कम ये कुत्ता ज्यादा लगता है। असली वुल्फ तो कुछ ऐसा होता है। तो चलो इसको भी बढ़िया सा ट्रांसफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं अपने वुल्फ के फर को थोड़ा सा पीछे करने वाला हूँ, जिससे कि ये वुल्फ थोड़ा सा बड़ा और खतरनाक लगे। देन इसके बाद हम चेंज करने वाले हैं वुल्फ के पैरों को, क्योंकि यार रियल वुल्फ के पैर काफी ज्यादा मस्कुलर होते हैं। सो ये कंप्लीट होने के बाद हमको इसके फेस को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यार वुल्फ होता है काफी खतरनाक। जरा देखो ये अभी से स्केरी लगना स्टार्ट हो चुका है। और अब बारी थी वुल्फ के ऐसे पार्ट्स को बनाने की जहाँ पर सबसे ज्यादा पावर होती है, यानी पीछे वाले पैर। और इसके बाद जैसे मैं वुल्फ का कलर चेंज करूंगा तो पूरा का पूरा लुक ही बदल जाएगा इसका। डैम ब्रो क्या लग रहा है ये। और हाँ, वुल्फ की टेल भी तो बनानी है, तो यहाँ पर मैंने वुल्फ की टेल भी बना दी। और आखिरी में थोड़े बहुत जख्म के निशान लगा दिए भाई, क्योंकि वुल्फ बहुत लड़ाई करते हैं तो उनकी बॉडी पे ऐसे जख्म रहते ही हैं। एंड जरा ये देखो भाई, अपने गेम में कितना ज्यादा खूंखार लग रहा है। फाइनली अब लग रहा है कि ये वुल्फ है, पहले तो भाई कुत्ता लगता था। और जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर टेम करा भाई, एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आ चुका है भाई, मेरे साथ एक वुल्फ घूम रहा है। वेल आप कितने नंबर दोगे इस वुल्फ को, मेरे को नीचे कमेंट्स में बताना। वेल मैंने काफी मॉब्स को अपग्रेड तो कर दिया है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ किसी बॉस को अपग्रेड करा जाए। और मेरे दिमाग में विदर आ रही है, विदर ऑलरेडी काफी खतरनाक होती है, तो चलो इसको और खतरनाक बनाते हैं। विदर का बड़ा सिंपल फंडा है, अगर इसको खतरनाक बनाना है तो सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा इसके फेस को। थोड़ा सा ही चेंज करने के बाद ये अभी से ही खतरनाक लगने लग गई। एंड अब जो इसके नीचे ये बोन्स है ना, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके कर्व बनाने वाला हूँ भाई, इससे और मस्कुलर मतलब आई मीन अग्रेसिव लगेगी। जरा ये देखो, मैंने बोला था ना भाई इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्या लग रही है ये। और ये होने के बाद मैं विदर के पीछे ब्लैक स्मोक को ड्रॉ कर दूंगा। थोड़ा सा वेट करो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। जरा देखो भाई क्या लग रही है। चलो अब इसको गेम के अंदर ट्राई करते हैं। ओ माय गॉड भाई ये क्या बन चुकी है। लिटरली मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि ये इतनी खतरनाक हो जाएगी। यार मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मोजैंग को ना इसको ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि एकदम फिट बैटरी है। भाई आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट्स में आज जरूर बता देना।